हॉरर के साथ कॉमेडी कोई लेके नहीं आया अभी तक, है ना। सब बहुत सीरियस है लाइफ में, तो कैसे छानबीन करता है, कैसे वो इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता है कि ऐसे डायन वायन कुछ नहीं है, सीरियल किलर है, इसको मैं फिगर आउट करूंगा, निकालूंगा। सबसे पहला लालच तो ये था कि मुझे हॉरर करना है, ट्राई करना है। अब इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये मिला कि इसमें इन्होंने फ्लेवर डाला हुआ है, इट्स नॉट एक्चुअली हॉरर हॉरर। इन्होंने इसमें एक कॉमेडी ऑफ एरर होता है ना, वो भी इन्होंने डाल दिया। हाय, दिस इज राजवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन IWM बस। सो फर्स्टली बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू शो। थैंक यू सो मच। So much. Rajveer, this is completely opposite what we have seen you in Anidra. क्या कहना चाहेंगे? Full completely change of that. मैं actually ये है कि मैं खुद से bore हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा. Yeah, I know this will come. सच्चाई है, मैं सोने का pattern भी change कर देता हूँ कई बार, ऐसा है कि मैं सो के थक गया तो change कर दिया, या सुबह लेट उठ रहा हूँ तो उसको भी चेंज कर दिया। मुझे खुद से इतना मैं नहीं देख सकता एक ही लुक में खुद को, सेम कहानी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को चेंज करना चाहते हो, सेम गोज विद फिजिक। मैं खुद को लीन देख, कई बार मोटा, कई बार पतला कर तो खैर ये भी मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि पता नहीं क्यों आजकल टाइम भी है। और एक्चुअली मैं बताऊँ, हॉरर वापस इज बैक इन द गेम, है ना। देयर आर सो मेनी मूवीज कमिंग इन सिनेमास। एक सबसे बड़ा लालच तो ये था कि मुझे हॉरर करना है, ट्राई करना है। अब इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये मिला कि इसमें इन्होंने फ्लेवर डाला हुआ है, इट्स नॉट एक्चुअली हॉरर हॉरर। इन्होंने इसमें एक कॉमेडी ऑफ एरर होता है ना, वो भी इन्होंने डाल दिया है ना, एक मसाला कॉमेडी ऑफ एरर कि आप ऑडियंस को लेकर जा रहे हो उस एज तक और वहाँ से कुछ और एकदम से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे पार्ट कि दूसरा तीसरा रीजन था मैं स्टार के, दिस इज माय सिक्स्थ शो, चार शो मैंने स्टार के कर लिए, तो चौथा रीजन मेरा ये था कि आई जस्ट वांट टू वॉक देम अगेन। अगर बात करें देयर इज अ बैक स्टोरी आल्सो, हाउ यू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस स्टोरी? ओके, सो एक चमकिया गांव है जहां पर प्रीति का गांव है, एक्चुअली वो प्रीति वहां रहती है, और प्रीति और मैं, शी इज माय एक्स गर्लफ्रेंड, मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, तो हम दिल्ली में मिले थे, तो खैर वो एक अलग सेपरेट कहानी है। उसके बाद मैं पुलिस में आ गया, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो होता है ना कि डेथ के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है पिताजी की पोस्टिंग पे, आई थिंक आर्मी का मुझे पता नहीं, पर आई थिंक पुलिस का है, शायद आर्मी में भी है, तो वो मुझे मिल गया। उसके बाद चमकिया में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ डायन की अफवाह फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग है कि उनकी गर्दन को तोड़ देती है डायन और साड़ी छोड़ जाती है, तो पूछता भी हूँ साड़ी छोड़ जाती है पहन के क्या जाती है। तो इस टाइप का पुलिस ऑफिसर है वो, कि बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा लॉजिकल पुलिस ऑफिसर है, तो कैसे छानबीन करता है, कैसे वो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता है कि ऐसे डायन वायन कुछ नहीं है, सीरियल किलर है, इसको मैं फिगर आउट करूँगा, निकालूंगा, और सारे गांव वाले अगेंस्ट हैं, तो ही इज फाइटिंग अलोन 10/29 से 10 जून से। प्रीति मदद करेगी या नहीं करेगी ये तो कहानी बताएगी, ये तो शो ही बताएगा आपको। हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट दिस शो, व्हेन यू गॉट लर्न अबाउट दिस कैरेक्टर? सी, जब मैंने ऑडिशन दिया था, आई वुड से कि मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि ये हॉरर शो है, मतलब मुझे बस प्रीति का पता था कि मुझे जाके अपना पार्ट करके आना। ओके, सो हमारा मॉक शूट हुआ, लिटरली तब तक आई हैड नो आइडिया दैट दिस इज अ हॉरर शो, लाइक फॉर रियल। क्या मतलब, हमारे मॉक शूट में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दिस इज गोइंग टू बी अ हॉरर क्राइम थ्रिलर शो। नो, आई जस्ट थॉट कि जैसे नॉर्मली डेली सोप में होता है वैसे। जब हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग थी उसमें मुझे जाके पता चला, एंड जब स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी, आई गेस ये बता सकते हैं आपको ज़्यादा अच्छा, मैं हंसे जा रही थी लिटरली, आई वॉज मैं मुंह दाब के हंस रही थी, बिकॉज मुझे इतना मजा आ रहा था ना, एंड आई टोटली बिलीव दिस कि स्टोरी इज द रियल हीरो और हीरोइन। एंड एक्चुअली क्या है ना शामिल, कि हॉरर के साथ कॉमेडी कोई लेके नहीं आया अभी तक, है ना। सब बहुत सीरियस है लाइफ में, एंजॉय करना भूल गए। एक्चुअली फील कि हॉरर इक्वल्स टू सीरियसनेस, लाइक चुपचाप से मुंह दाब के बैठ जाओ। बहुत सीरियस हो गए हैं लोग लाइफ में, तो इसमें हॉरर में एक ट्विस्ट सा आ जाता है बीच में, आप अपने आप हंस पड़ते हो, क्या रे यार क्या है। So that's the beauty of the show. अब मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई है तो आप समझ, अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आप समझ लो कि आपको कितना ज्यादा मजा आने वाला है। राजवीर, जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, द बेस्ट पार्ट आई वाज लाइकिंग वाज कि नो, वो अपने आप को काम डाउन कर रहा था, द वे ही इज मेडिटेटिंग, द वे ही इज यू नो काउंटिंग द नंबर्स। तो अभिमन्यु का, अभिमन्यु सिन्हा मेरा कैरेक्टर नेम है इसमें,
वो रहा है शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, और यही मेरी और इसकी एक ही क्वालिटी मैच होती है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रहा हूँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो हाँ मतलब लॉन्ग बैक स्टिल ग्रोइंग यू आर। तो एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, स्पोर्ट्स कल्चर हमारा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो नेचुरल खेती बाड़ी का काम है, आर्मी फोर्सेस सब लड़ाइयाँ इतनी हुई हैं हरियाणा की ज़मीन पर, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, तो वो डीएनए में, जेनेटिक्स में वो नेचुरली एग्रेशन है ना, हवाएं भी वैसी हैं, गर्म हवाएं है ना, तो नेचुरल एग्रेशन है सबके अंदर मिलेगा। तो इसको प्रॉब्लम होती है ए सुनने से कि मेरे सामने कोई ए नहीं बोलेगा, कुछ लोगों में होता है, मैं ऐसा नहीं है कि लिख कर दे दिया, बहुत लोगों में प्रॉब्लम होता है, इट्स लाइक गाली, गाली लोग नहीं बर्दाश्त करते ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप किसी को माँ बहन की गाली तो मारेगा वो पकड़ेंगे, तो इसके लिए वो ए इज लाइक गाली, तो वहाँ से वो है ट्रिगर करता है, हाँ उसको ट्रिगर करता है, तो उसको ट्रिगर करता है, फिर वो वापस जाता है वॉशरूम में, खुद को काम डाउन करता है, वो समझाता है कि यू आर ए मैच्योर गाय, कामली कंपोजली समझता है, तब तक डैमेज हो चुका है तो सॉरी बोल रहा है, दैट्स इट। शाकु मार था, सॉरी बोल, सॉरी सॉरी। ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती है ना, बहुत ज्यादा मस्ती होती है ऑफ स्क्रीन, तो राजवीर एकदम शांत किस्म, आप मुझे देख रहे हैं ना मैं इंटरव्यू में कितना एंजॉय करती हूं, जस्ट इमेजिन मैं शूट में इनके साथ, वैसे अभी तक तो हमने ज्यादा शूट किया नहीं है, बहुत 5 या 6 सीन्स ही शूट किए हैं, इनिशियल फेज है तो ज्यादा अभी हमने शूट नहीं किया, बट यस वी लव वर्किंग विद ईच अदर। राजवीर ये लुक में आने के लिए व्हाट स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन, व्हाट चेंजेस यू हैव ब्रॉट apart from mustache, nothing, yeah. nothing. apart from the mustache ha main the irony is ki i don't know what my process, i don't know meri process kya hai, mujhe hi nahi pata, log mujhse poochte rehte hain matlab isme aane ke liye kya kiya, us character ke liye preparation kya ki, mujhe nahi pata, yeah. mujhe a i know it's written there in script, to aap script padh lo, writer se narration sun lo, director ka vision pakad lo, dop kya shoot karna chahta hai wo dekh lo, बाकी तो सब उसके अंदर है ना। Was there any reference of police officer? No. नहीं, मेरे dad, मेरे पिताजी आर्मी में थे, दिल्ली पुलिस में थे, तो मैंने देखा है बहुत करीब से उनकी जिंदगी को, तो वो एक reference subconsciously हो सकता है मेरे mind में। So you have the very close reference. Yeah, very close reference. So finally one message for the audience. हाँ, 10-29 के बाद घर से बाहर नहीं निकलिए आप लोग, आपको खतरा है 10-29 रात 10 बजे रात 10-29 के बाद से, क्योंकि डायन आ जाएगी, मार देगी आपको, तो आप घर बैठिए, शो देखिए हमारा, वहाँ से आपको पता चलेगा, और स्नैक्स एंड ऑल पूरा स्नैकिंग कर लेना 10-29 से पहले, उसके बाद मत उठना, नहीं तो सोमवार से शनिवार स्टार भारत पर एंड हॉटस्टार 10 जून से, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू, थैंक यू so much and all the best. Thank you.